गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पुरानी सैलड्स खा के बहुत ही बोर हो जाते हैं। हमें कुछ चटपटा सा, कुछ स्पाइसी सा, कुछ मज़ेदार सा चाहिए होता है ताकि हमारा जो फूड में इंटरेस्ट है वो बना रहे। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ टू सैलड्स, मॉनसून का सैलड्स, जो कि बहुत ही यम्मी है, बहुत ही फिलिंग है और आपका टेस्ट जो है वो टेस्ट बड को भी बरकरार रखेगा और बहुत ही ईजी है बनाने में। और ये सैलड्स कैसे बनेंगी, ये बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट का गेम है, आप इसको पहले से भी तैयार करके रख सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इसको आप लंच में ले सकते हो, डिनर में ले सकते हो, जिस दिन आपका डिटॉक्स करने का मन है, अपनी बॉडी को क्लीन करने का मन है, कार्ब्स बिल्कुल लेने का मन नहीं है, उस दिन भी आप इन सैलड्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है बनाना कैसे हैं, चलते हैं किचन। सो फर्स्ट सैलड हम बनाएंगे कॉर्न एंड कोकोनट सैलड। सो यहाँ पे मेरे पास जो हमारा लोकल भुट्टा होता है वो यहाँ पे मैंने स्टीम करा है। आप इसका दाने निकाल के भी इसे बॉईल कर सकते हो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, बट मेरे पास है तो मैंने इसे अच्छे से स्टीम करा है यहाँ पे। एंड ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, हाँ। सो अब हम इसे यूज़ करेंगे। ओके जी, भुट्टों को उबालने के बाद ये मैंने इन्हें रखा है नॉर्मल पानी में ताकि ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडे हो जाए एंड हम इनको ईजिली कट कर पाए। सो अब मैं ले रही हूँ मेरा फर्स्ट भुट्टा यहाँ पर, हाँ, इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे दाने निकालेंगे बेसिकली इसके। संजना हमें बोल रही है हाथ से निकाल लो, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा। ओके जी, सो यहाँ पे ये है संजना के थ्रू छीले हुए, उबले हुए कॉर्न, बहुत प्यार से छीले हैं उस बच्चे ने मेरे, और यहाँ पे ये मेरे थ्रू कट किए हुए चाकू से कॉर्न। सो आपको अगर ये सैलड बनानी है सो मेक श्योर आप एक दिन पहले अपनी सारी तैयारी करके रखें और हाथों से छीलें। थैंक यू संजू। सो ये अभी रेडी है। ओके जी, सो एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा उबला हुआ कॉर्न। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेरा 1 खीरा, कटा हुआ खीरा। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे है मेरा ग्रेटेड कोकोनट, ये हमारा पूजा वाला नारियल है, गीला नारियल, इसको हमने छील के ग्रेट करा है, आप एक दो दिन पहले भी करके इसको रख सकते हैं। 2 चम्मच जितना ग्रेटेड कोकोनट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा थोड़ा सा हरा धनिया। नेक्स्ट इस यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी हमारा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यहाँ पे मैं अब डाल दूंगी 1/2 लेमन जूस। जिन जिनको इस सीज़न में कोल्ड कफ कंजेशन है वो लोग लेमन जूस बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से। एंड दिस सैलेड इज एब्सोल्युटली रेडी एंड इट्स रियली 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 यम्मी। अरे गाइस, सो अब हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का सैलेड। और ये भी जो मूंगे की दाल है इसको मैंने ओवरनाइट सोक करा है रात भर, और अभी मॉर्निंग में इसको मैंने रख लिया है मेरे पास पानी निकाल कर। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल 1 चम्मच जितना। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पर जीरा, ओके। जैसे ही मेरा जीरा अच्छे से भुन जाएगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पर हल्दी पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ कट की हुई सब्जियाँ हैं, प्याज, शिमला मिर्ची और कैरेट। सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज, मुझे प्याज को ओवर कुक नहीं करना है। नेक्स्ट इज शिमला मिर्ची एंड गार्लिक। ओके, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट इज ये रही मेरे पास दाल, और ये 1 चम्मच गई दाल सोख की हुई, 2 चम्मच गई मेरी, 3 चम्मच और ये 4 स्पून ऑफ सोख की हुई दाल हमने यहाँ पे ऐड करी है। ये मैं बाकी रेसिपी के लिए यूज़ करूँगी अपनी। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी।
सिर्फ इतना ही पानी डालना है, आधा कप जितना, उससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है सॉल्ट, तो खूब अच्छे से मिक्स करके सेम आँच पे हम इसको पकने देंगे। ये पकने में लेगा 5 से 7 मिनट। इसको अब हम आँच सिम करके अच्छे से इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ओके, एंड द सैलेड इज रेडी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया एंड अ लेमन जूस एंड द सैलेड इज एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी। सो कॉर्न एंड कोकोनट वाला जो सैलेड है वो शुगर के पेशेंट अवॉइड करेंगे, अदरवाइज़ ये सैलेड्स कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। ये बहुत ही यमी है, फिलिंग है, रिच इन प्रोटीन है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये आपका जो टेस्ट बट है ना उसको थोड़ा मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। सो डाइट में चीट नहीं करने का, हम बहुत सारे फूड को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके की चीज़ें आगे लेकर आएंगे जिसकी हेल्प से हमारा डाइट का में जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो पूरी की पूरी आगे चलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।